आप सभी के लिए आज मैं इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 8 लेकर आई हूँ। इकाई 8 आपको पता है कि हिंदी नाटक से संबंधित है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। हिंदी नाटक में जो पहला नाटक लगा हुआ है मित्रों, वो है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जो मैंने निबंध पढ़ाया था दिल्ली दरबार दर्पण, उसमें सारा डिटेल से बता दिया उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन से नाटक हैं, कौन से उपन्यास हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन को देख लेना, वहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं अंधेर नगरी। फ्रेंड जो है ये आपका जो नाटक लिखा गया है ये मूल नाटक है भारतेंदु जी का। ओके, और ये 1881 में प्रकाशित हुआ था और यह जो है एक ही रात्रि में लिखा गया था। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है कि अंधेर नगरी कब प्रकाशित हुआ था। तो ये 1881 में प्रकाशित हुआ था मित्रों, और ये जो है एक रात्रि में लिखा गया था। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मित्रों। एक छोटा सा थॉट हम देखना चाहेंगे कि विश्वास अवश्य करो, परंतु वो विश्वास तुम्हारे लिए सिर्फ एक अभिनय होना चाहिए। राइट, आप यदि किसी पर विश्वास करते हो तो उससे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दूसरों पर विश्वास करने से पहले आप खुद पे विश्वास करो। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैम हम आपके मार्गदर्शन में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। फ्रेंड मैं आपका कितना भी मार्गदर्शन करूं, जब तक आप स्वयं से मोटिवेट नहीं रहेंगे, स्वयं से दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, तब तक कैसे हो पाएगा। आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कैसे हो पाएगा, है ना। अब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग देखेंगे और आप इसको नोट करेंगे, आप इसका रिविज़न करेंगे, तभी तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, है ना। मैं पेड कोर्स चला रही हूँ तो आप पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वहाँ पे जो भी पीडीएफ वगैरह दिया जाता है उसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तभी तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, है ना। तो फ्रेंड यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारा, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, जून एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर छोटी सी जानकारी लेंगे हम, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। यहाँ पर जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, 1881 मित्रों करेक्ट आंसर होगा। और ये कितने अंकों में लिखा गया है, अब जो प्रश्न बनते हैं मित्रों, अंधेर नगरी 6 अंकों में लिखा गया। अब इस 6 अंक को आप कैसे याद रखोगे, तो फ्रेंड आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे अंधेर नगरी लिखा है तो यहाँ पे 3 जो वर्ण यहाँ पे अंधेर में आते हैं और 3 ही वर्ण नगरी में आते हैं, तो आपको पता है कि अंधेर नगरी में 6 वर्ण हैं, तो 6 अंकों में आपका ये अंधेर नगरी विभक्त है। आसान सा है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में ये एक प्रहसन शैली है, मतलब हास्य नाटक है, और ये तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता, उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इसको कह लीजिए तो आप इसको राजनीति भी कह सकते हैं, राजनीतिक नाटक भी कह सकते हैं। ओके, अब इसके जो मुख्य पात्र हैं, यहाँ पे जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही ध्यान से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी चीज़ें एग्जाम के अकॉर्डिंग हैं। अब यहाँ पर जो पात्र हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो पात्र है वो महंत हैं, एक साधु हैं। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है और नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। तो महंत जो है उनके दो शिष्य हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। उसके बाद में आपको पता होगा, मुझे लगता है क्लास 5 में ये नाटक लगा हुआ था, लगा हुआ भी है, अभी भी है, तो आपने पढ़ा होगा। और अधिकतर विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो उनने कहीं ना कहीं ये नाटक पढ़ा ही होगा, है ना। और मैंने तो इस पर अभिनय भी किया था, मतलब इस नाटक को मतलब मंच पर प्रस्तुत भी किया था। हम छोटे थे तब मैंने इस पर नाटक किया था अंधेर नगरी पर, है ना। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद है और बड़ा ही मज़ा आया था। तो कबाब वाला है, घासी राम है, नारंगी वाला है, हलवाई है, ठीक है, और कुंजड़िन है, मुगल है, पाचक वाला है, मछली वाली है, जात वाला है, बनिया है, राजा है, मंत्री है, माली है, दो नौकर हैं, और फरियादी है, कल्लू है, कारीगर है, चुने वाला है, और भिस्ती है, कसाई है, गड़ेरिया है, कोतवाल, और 4 सिपाही हैं। तो ये पूरे इसके जो है पात्र हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पात्र अंधेर नगरी में है या नहीं है, ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अंक कौन कौन से हैं, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए अंक आ सकते हैं। यह पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी में कौन सा अंक है या कौन सा नहीं है। ओके, तो प्रथम अंक जो मित्रों है वो है वाहे
प्रांत, ठीक है। बाह्य प्रांत मतलब बाहर का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर राम भजो कहकर जो है महंत जी प्रवेश करते हैं, मतलब दिखाए जाते हैं महंत जी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अंक जो है वो है बाजार का, मतलब पहले बाह्य वातावरण का दिखाया गया, दूसरा अंक बाजार का है, जिसमें जात ले जात टके शेर जात, ये जो है कौन, जात वाला ब्राह्मण जो है वो कहता है टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर जाता, सच्चाई बढ़ाई सब टके शेर, ठीक है। टके शेर खा जाए, यहाँ पे बिकता है अंधेर नगरी में, तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भांजी टके शेर खा जाए, ये कौन कहता है, ऐसा यदि प्रश्न बन जाए तो आप क्या जवाब देंगे, ये प्रश्न जो बन जाए तो आप आंसर देंगे गोवर्धन दास, ठीक बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये फेमस पंक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भांजी टके शेर खा जा, तो मित्रों ये गोवर्धन दास कहता है। तृतीय जो है अंक वो है जंगल, बाजार के बाद में जंगल आता है। आपको पता है कि आप जब भी बाजार जाते होंगे तो रास्ते में छोटे मोटे पेड़ पड़ते हैं, तो पड़ते ही हैं जंगल समझ लीजिए, है ना। तो सेठ सब एक से जहाँ कपूर कपास, ये महंत जी कहते हैं इस तरीके से। फिर चतुर्थ अंक जो आता है वो राज्यसभा का आता है, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा, तो राजा और फरियादी के बीच में ये चल रहा है। पंचम अंक है अरण्य, देखिए अरण्य और जंगल एक ही है, अरण्य और जंगल एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे जंगल कहा गया है और यहाँ अरण्य कहा गया है, ठीक है फ्रेंड। अरण्य किसको कहा जाता है, जंगल को ही कहा जाता है। वेश्या जोरू एक समाना अंधाधुंध मच्यो सब देशा मानव राजा रहत विदेशा, ये गोवर्धन दास ही ऐसा जो है संवाद बोलता है। हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी, रेखा जी कह रही थी कि मैम हम ये कैसे पता करें कि ये हमारे लिए आवश्यक है पढ़ना, ये नहीं आवश्यक है। तो मुझे बड़ा खेद है कि मैं इतनी वीडियोज बना चुकी हूँ और आपको अभी तक मैं ये नहीं बता पाई कि कौन सी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों आप जब पढ़ते हैं तो आप जब PYMCQ सॉल्व करते हैं उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ें जो है उन संवादों को देखिए, उन संवादों में यदि थोड़ी सी सामाजिकता है, ठीक है, कुछ अलग से संवाद हैं तो उनको हमें ज़रूर नोट करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। और ये चीज़ आपको पता चलेगी PYMCQ से, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे अधिक से अधिक, तो आपको प्रवृत्ति मतलब एक प्रवृत्ति नहीं रहती हर वर्ष, लेकिन हर वर्ष के मतलब कम से कम 10 वर्ष के जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए मैं रात्रि 9 बजे अभी जो क्लास स्टार्ट करी हूँ लाइव, उसमें मैं इस समय PYMCQ ही करा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं वो हमारी कितनी सही है ना। अगर आप PYMCQ अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ये पता करना है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो ये आप PYMCQ से पता कर सकते हैं। PYMCQ के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए, और इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, किस टॉपिक से लिया गया है, इसके बारे में जानिए। उसके बाद में जो चार ऑप्शन दिए होते हैं उन चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि इस ऑप्शन में यदि रचना है तो उन रचनाओं के बारे में पढ़िए, उनका प्रकाशन पढ़िए, उनके रचनाकार पढ़िए, और उन रचनाकारों की रचनाएँ क्या हैं ये पढ़िए, ठीक है, और उनका विषय क्या है, चारों ऑप्शन, ठीक है। और अगर रचनाकार हैं या रचनाएं हैं या विधाए, मतलब सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप PYMCQ से जब तैयार करेंगे तो मित्रों इतना अगर आप पढ़ेंगे और 10 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो 70% आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, 70%। और अगर आप PYMCQ सॉल्व करते हैं और अपना सिलेबस कवर करते हैं तो मुझे लगता है 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और इसका फिर आप रिविज़न करते रहिए तो आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको हमारी सही लगेगी और समझ भी आई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि पांचवा अंक जो है अरण्य है, छठा अंक जो है अंतिम अरण्य जो अंक है वो शमशान है, ठीक है, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज, ये जो है महंत ही कहते हैं इसी शमशान अंक में। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं जिससे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसी वीडियो में देख लेते हैं। पहला वाह प्रांत, मतलब जब हम कहीं किसी जगह प्रवेश करते हैं तो वाह
वाह से ही अंदर प्रवेश करते हैं बाजार में, वाह से ही अंदर प्रवेश करेंगे बाजार में, ठीक है। बाजार से आप आगे बढ़ें तो जंगल आपको मिल सकता है, ठीक है। जंगल के बाद आपको, अगर आप जंगल जाएंगे, जंगल में यदि कोई महल वगैरह है तो राज्यसभा हो सकती है। और आपको पता है आजकल जो राज्यसभाएँ होती हैं उसमें जंगल राज ही होता है अधिकतर, है ना। उसके बाद में अरण्य, उसी का एक श्रेष्ठ रूप कह लीजिए, है ना, संस्कृत रूप, मतलब संस्कृत जो तत्सम होता है उस तरीके से, है ना, पर्यायवाची है अरण्य जंगल का। और अंत में शमशान घाट, तो सभी को पहुंचना है कोई भी हो, है ना, तो इसको तो विशेष रूप से अंत अंत ही है शमशान, है ना। तो ये चीज़ें हैं, 6 अंक हैं इसके, और वो मैंने बता दिए हैं कि अंधेर नगरी जब लिखते हैं तो 6 वर्णों का आप प्रयोग करते हैं और 6 ही अंक हैं इस नाटक में। तो पूरा मैंने डिटेल से बता दिया है, अब इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बन सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और बाकी मैंने भारतेंदु के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई दिया है। दूसरा जो नाटक है इनका, भारत दुर्दशा, वो मैं दूसरी क्लास में लेकर आऊँगी। ओके मित्रों, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए 10 मिनट की वीडियो बनी है और बहुत कुछ जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो बताई है। बाकी आगे क्लासेस आती रहेंगी और वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो भी मैं कराती रहूँगी। हमारे पेड कोर्स में आपको क्या मिलेगा मित्रों, देखिए वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर भी आपको पढ़ाया जाएगा। 10 तारीख से यहाँ पर सुबह में आपको फर्स्ट पेपर की क्लास जो है उपलब्ध कराई जाएगी। UGC नेट GRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD से संबंधित जो नोटिफिकेशन होता है वो मेरा दूसरा चैनल है पढ़ो इंडिया हिंदी, वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रात्रि 9 बजे लाइव क्लास होती है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे मैं आपको प्रश्न कराती रहती हूँ, अच्छे अच्छे प्रश्न कराती हूँ और आपको डिटेल से बताती भी रहती हूँ, ट्रिक भी बताती हूँ, ओके, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।